देखा जाए, क्वेश्चन नंबर है आपका 63 ना, 63। ये तो ऐसे ही हो जाएगा ना, यहाँ पावर में है ही नहीं। इंटीग्रेशन 0 to π/4, यहाँ लिमिट दिया है x² sin 2x dx। चलिए यहाँ आइलेट वाला मेथड ही लगेगा, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x² फिर इंटीग्रेशन करेंगे sin 2x का माइनस इंटीग्रेशन देकर ब्रैकेट के अंदर x² का डिफरेंशिएशन और फिर इंटीग्रेशन कर देंगे आपका sin 2x dx विथ रेस्पेक्ट टू x और फिर ये ब्रैकेट बंद करके लिमिट दिया है 0 to π/4। चलिए यहाँ देखिए x² साइन का यहाँ माइनस कॉस होगा, ठीक है, और 2x का 2 डिवाइड में आएगा माइनस, इसका इंटीग्रेशन कर डिफरेंशिएशन करेंगे 2x इंटू में साइन का माइनस कॉस 2x और बटा में 2, ठीक है, और यहाँ पर dx लगा देंगे और लिमिट आपका दिया है 0 to π/4। ये 2 से ये 2 कट जाएगा, फिर यहाँ u इंटू v पे फिर से बन जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ क्या हो रहा है, माइनस का x² इंटू में कॉस 2x बटा में 2, ये माइनस माइनस प्लस x cos 2x dx और यहाँ लिमिट दिया है 0 to π/4। यहाँ u इंटू वी पे फिर से करेंगे, दोबारा से अगेन इंटीग्रेट करेंगे आईलेट वाले मेथड पे, पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाले पे। चलिए प्लस x इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx माइनस फिर इंटीग्रेशन लगाएंगे, डिफरेंशिएट करेंगे x को x के रेस्पेक्ट में ही और फिर cos 2x का इंटीग्रेशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, ब्रैकेट बंद करेंगे, dx लगाएंगे और लिमिट आपका 0 to π/4, ठीक है। चलिए अगले स्टेप में देखते हैं, माइनस x² इंटू में cos 2x बटा में 2 प्लस cos का यहाँ पे साइन हो जाएगा और इसका डिवाइड में 2 आ जाएगा और फिर यहाँ देखते हैं माइनस, इसका इंटीग्रेशन और लिखने की जरूरत नहीं, कॉस का यहाँ साइन हो जाएगा dx, ठीक है, और बटा में 2 लगेगा 0 to π/4। फिर से यहाँ इंटीग्रेशन करना होगा, माइनस का x² cos 2x/2 प्लस x sin 2x/2। यहाँ देखिए साइन है ना जी, साइन का माइनस कॉस हो जाते हैं, यहाँ प्लस कॉस कर देते हैं, cos 2x और बाई 2 और ये 2 4 हो जाएगा और लिमिट है 0 to π/4। चलिए अब देखते हैं लिमिट पुट करते हैं, यहाँ पर कुछ कटने वाला तो है नहीं, चलिए लिमिट पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस π² cos 2π/4 रखना है ना जी, π/4 और बटा में 2 प्लस π/4 इंटू में साइन 2π/4 और बटा में 2 प्लस कॉस 2 into π/4 बटा में 4, ब्रैकेट बंद करिए, फिर अब जीरो पुट करना है ना जी, जीरो पुट करते हैं, माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस 0 का स्क्वायर इंटू में कॉस 2 into 0 0 हो जाएगा बटा में 2, 0 into में साइन 2 into 0 0 हो जाएगा और बटा में 2 प्लस कॉस, यहाँ 2 into 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा और बटा में 4। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ देखिए, यहाँ देखो तो ये कटेगा क्या, यहाँ से ये काटेंगे दो बार में, कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू 0 होता है तो यहाँ माइनस π²/16 इंटू में 0/2, तो ये सारे 0 हो जाएंगे, 0 हो जाएगा ना जी। चलिए अब यहाँ पे देखो ये कटेगा π/2, साइन 90 π/2 का वैल्यू 1 होता है तो हो जाएगा आपका π/8 और इंटू में इसका 1, ये π/8 इंटू में 1 प्लस ये देखो कटेगा cos π/2 तो यहाँ पे 0 होता है cos 90 का और बटा में 4 और फिर ब्रैकेट बंद करेंगे माइनस, फिर ये आपका 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 और यहाँ ये 1/4। चलिए ब्रैकेट हटाते हैं, ये 0 हो जाएगा, π/8 और यहाँ माइनस का 1/4 इसका आंसर आ जाएगा, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वीडियो में यहीं पे एंड करते हैं, आपको हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करने होंगे, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा और दूसरा है भारती भवन रविकांत सर,
रवि कांत सर, और तीसरा चैनल है रवि कांत सर के नाम से, रवि कांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, और इससे संबंधित नोट्स के लिए www.ravikantsir.in पर जाएंगे, ravikantsir.in पर जाएंगे, और वहां से आप सभी क्लासेस के नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।